हाथरस गैंग रेप मामले में दिन पर दिन कार्रवाई की लकीरें खींचती नजर आ रही है। बीते दिनों सीबीआई के द्वारा मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अचानक आज एएमयूवीसी के द्वारा दो डॉक्टरों का निलंबन कर दिया गया है, जिसके साथ सियासत गर्मा गई है। बताया जाता है कि डॉक्टरों के द्वारा रेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य गोपनीयता को भंग करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये बात वीसी के द्वारा कागजी तौर पर साफ जाहिर नहीं की गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां दो डॉक्टरों के द्वारा हाथरस रेप पीड़िता का इलाज किया गया था। साथ ही बीते दिनों सीबीआई के द्वारा डॉक्टरों के पैनल से भी बात की गई थी, लेकिन आज अचानक दोनों डॉक्टरों को वीसी के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं पीड़ित डॉक्टरों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना काल में उनको यहां ड्यूटी ज्वाइन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज अचानक उनको टर्मिनेट लेटर दिया गया है। क्या वजह है ये भी साफ नहीं बताई गई कि उनके द्वारा रेप पीड़िता के इलाज के दौरान सामाजिक तौर पर कुछ बातें मीडिया को बताई गई थी, उसी को लेकर इस तरह का टर्मिनेट किया गया है। निलंबित करें, हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की कॉल आई थी, उन्होंने हमें बोला है कि आप वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर उबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड, हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओस को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे, अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी के हाथरस की वजह है? मैं भी एक वजह हो सकती है। उस वक्त हम लोग ने हमसे मतलब मीडिया वाले आते थे, सीएमओ के पास आते हैं, यहाँ पे आके बैठे रहते थे, तो हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे, तो एज ए डॉक्टर हमने ओपिनियन दिया था अपना। मैं डॉक्टर उबैद नाम है, मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ था कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। मुझे आज एक नोटिस मिला है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप आज से ड्यूटी पर मत आइए। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण तो हमें बताया नहीं गया इसमें कुछ, तो क्या आप क्या पकड़ा इसके पीछे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या मेन रीजन है, क्योंकि जी जी सीबीआई हमसे नहीं हुई थी डायरेक्टली, उन्होंने रिटर्न में दिया था, मेन जो सीएमओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई करते हैं, सीबीआई ने डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है? आगे लाइन में बैठे आपका क्या रहेगा? टेलीफोनिक, हमें टेलीफोन से जो हमारे सीएमओ इंचार्ज है जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला है कि इनको आप टर्मिनेट कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है आपको टर्मिनेट करने? जी 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 ऑर्डर निकाला। आगे आपका क्या लाइन ऑफ क्वेश्चन है? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं, तो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज दी हैं, जब यहाँ पे कोई देने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।